जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी। दोस्तों, मंजिल एफलिंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आप तमाम तर दोस्तों की खिदमत में लाइव हाजिर हैं। तो मेरे दोस्तों, आज इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सैफुल्ला खान साहब के मेन ब्रीडर सेटअप पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल शहर कसूर में, ना सिर्फ शहर कसूर में बल्कि पंजाब भर में मौसम बड़ी अजीब सूरत हाल है मौसम की। तो काफ़ी दोस्तों के परिंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों की पलाई अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी जो ना प्रॉब्लम्स के शिकार हैं दोस्तों के परिंदे। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज थे व्हाट्सअप पे, मैसेंजर पे, बहुत से दोस्त रब्ता कर रहे थे कि वकार भाई आजकल के मौसम के हवाले से क्या किया जाए, परिंदे कैसे, परिंदों की केयर किस तरह की जाए और क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो हम अपना सकते हैं। तो हमने सोचा कि सबको मुश्तरक ही एक जवाब दें और एक गाइडलाइन के तौर पर एक वीडियो बना दें, जिन दोस्तों को तो पता है कि अल्लाह ताला उनके परिंदों को सेहत और तंदुरुस्ती उनकी रखे। तो इस जिन दोस्तों को नहीं पता, जो परिंदों जिन दोस्तों के परिंदे इस वक्त डिस्टर्ब हैं, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद, इस वीडियो से उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका ज़्यादा टाइम लिए बगैर सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, हमेशा हमारे साथ हमें बहुत अच्छा, तो हमें भी और हमारे देखने वाले शायकीन को भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं जनाब सैफुल्ला खान साहब, मेडिसिन के हवाले से, परिंदों की केयर के हवाले से बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम जनाब सैफुल्ला खान साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। ये जनाब सैफुल्ला खान साहब और ये हमारे बड़े प्यारे भाई जनाब शाहद हुसैन साहब। जी अशाद भाई कैसे हैं? ठीक हैं, सब खैरियत। और ये जनाब मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान भाई क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह पाक करम रखे। तो कैमरे का रुख करेंगे हम सबसे पहले जनाब सैफुल्ला खान साहब की तरफ। साहब भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र, दुआएं भाई जान आप सब दोस्तों आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दोस्तों वगैरह मैसेज कर रहे हैं आजकल मौसम की वजह से परिंदे जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई वायरस की तरफ आ रहे हैं, कुछ बिलखसूस ज़्यादा सीरियस मैसेज ये आ रहे हैं कि परिंदे जो हैं वीक बहुत हो रहे हैं आजकल के मौसम की वजह से, या मौसम की वजह है या क्या बात है, ये ज़रा आपके नज़रिए के मुताबिक क्या प्रॉब्लम चल रही है, परिंदे वीक क्यों हो रहे हैं? जो लोग रेगुलर डॉर्मिंग नहीं ना करते ये कार्स उनके परिंदों में आ रही है। जो रेगुलर डॉर्मिंग करते हैं उनको कोई इशू नहीं है, चाहे उनमें मैं शामिल हूँ। जो बंदा रेगुलर डॉर्मिंग नहीं करता उसके परिंदे कमज़ोर होंगे, वीक भी होंगे, क्योंकि क्रीज के साथ ही उनका कमज़ोर हो जाना फिर उन पर काबू नहीं आता। साथ में दूसरे वायरस आपको पता है इन दिनों में सालमोनेला वगैरह एक्टिव होते हैं, तो परिंदे को मौका ही नहीं मिलता संभलने का। और कुछ हमारी कमज़ोरी कह लें, हम टाइम के साथ उनको देखते नहीं, मेडिसिन वगैरह नहीं देते, फिर ये क्रिएशन होती है। ज़्यादातर इस अभी जो मामला ना कमज़ोर होने वाला वो पेट के कीड़ों की वजूहत है, अदरवाइज और कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। सब जो पेट के कीड़े या जिसे हम डवर्मिंग कहते हैं, डवर्मिंग करवाना, ये किस मौसम में करना ज़्यादा बेस्ट है? बेहतर तो ये है कि जिस तरह ये क्रीज का मौसम है, इससे पहले पहले बंदा कोई सावन भादों से कोई पहले कर रहे तो ज़्यादा बेहतर। जब आपको अंदाजा हो जाएगा कबूतर पार गिराने वाले हैं मेरे, ये स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। बीच में भी करवा दें तो कोई इशू वाली नहीं, नॉर्मल लाइट ही रख के ट्रीटमेंट करवा दें, सिरके की करवा दें, इनको जेंटल सिरप करवा दें, बाकी जो बड़ी रेंज है ऑक्साफेक्स वगैरह तो उसको बड़े एहतियात के साथ बुलाएँ जी, वो लॉस भी कर सकती हैं परों का। ऑक्साफेक्स और ऑक्सासिम, ऑक्सासिन नहीं, ऑक्साफेक्स है या सिस्टम एक्स है, ये दो बहुत तेज़ हैं जी, इसको बड़ी एहतियात के साथ बनाना चाहिए। यानी कि इन दोनों में डवर्मिंग कोशिश करेंगे ना करें, अगर लाइट सिरके वगैरह से करनी है तो हाँ, सिरके से कर लें और साथ में विटामिन डालें, और खुशी तौर पे विटामिन को बड़े एहतियात से डालें क्योंकि पर निकाल रहे होते हैं जी जी, ओवर डोज होते साथ ही पर लंबे हो जाएंगे, परों की तरतीब खराब हो जाएगी, पर ब्रीक हो जाते हैं जी जी, लंबाई परों की ज़्यादा हो जाती है, विटामिन ज़्यादा डालें, ज़्यादा बड़ी एग्जैक्ट मकदार डालें जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप डालें। जैसे अभी वाइटामिन जो ये मौसम जैसे हम पंजाबी में सावन और भादरों कहते हैं, बड़ा अजीब सा मौसम होता है, इंसानों की हालत ख़राब हो जाती है, फिर बेजुबान छोटे थोड़ी सी जान है परिंदे, छोटी सी जान है। तो आजकल के मौसम में परिंदों के लिए वाइटामिन कौन से बेस्ट हैं? विटामिन वो ज़्यादा अच्छे हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स हों,
कोई एक मेंशन कर रहे हैं, कोई एक मेंशन करते जो आजकल के मौसम के हवाले से अच्छे चलेंगे। बेसिकली अभी जो वीक परिंदे हैं उनके लिए कुछ और हैं, सेहतमंद परिंदे हैं जो उनके लिए विटामिन और हैं। जी, जो वीक हैं उनके लिए साइमोस्टेस बिल्कुल बेस्ट विटामिन है, वो खिलाएं उनको आप। तो बाकी अदर्स मार्केट में साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लिक्विड शेप में भी आ रहे हैं। हाँ, और मल्टी माइनो वी बेहतरीन है, ये मौसम में आप डाल दें उसको। जी जी, लास्ट ईयर हमने यूज़ किया था मल्टी माइनो वी, इंजेक्शन शेप में वो। और बीटा सोल जो है, बीटा सुपर गोल्ड, जी जी, बेहतरीन विटामिन है इस मौसम के। जी जी, बीटा सुपर गोल्ड जैसा के जी का पैक आपने भी यूज किया था शायद आपके जहन में। हाँ जी बिल्कुल। सर भाई, ये जो दोस्त जिनके परिंदे वीक, आपने भी जिक्र किया कि साइमोस्टेस वो यूज़ करें, तो आजकल के मौसम के लिहाज से और वीक परिंदों के लिहाज से दोस्त क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ना, वीक परिंदों को ना सेब का सिरका पिलाएं आप। जी ठीक। या अगर आपने वर्मिंग करनी है ना, तो पकड़ के ना उनको कैटरस के साथ, कैटरस का छोटा सिरप ले आए। जी जी, वो तकरीबन हाफ लीटर पानी में ना आप उसको एक शीशी डाल दें। जी सही, हाफ लीटर में। हाँ, कैटरस की छोटी शीशी एक डाल दें। जी जी, और इन परिंदों को ना पकड़ के 5 से 10 cc भी परिंदा दे के छोड़ दें। सही, एक दिन का वक्फा रखें। जी, फिर विटामिन शुरू करें। बिल्कुल सही। 1 ग्राम 1 लीटर में डालें। जी जी, ऊपर तो 2 ग्राम होगा, 1 ग्राम 2 लीटर में, 1 ग्राम 4 लीटर में, मगर सीजनली जो परिंदों के कबूतरों के हिसाब से ना, आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में उनको डाल सकते हैं। फांसी में पिलाना है तो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में डाल दें। जी जी, और सोर्स दूसरे भी हैं, ORS जिस तरह मिलता है हमें मेडिकल स्टोर से, बिल्कुल ये पिला दें, कैल्सी पिला दें, CAC की गोली है जो, वो पिला दें आप, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। जी, मैंने भी रिसेंटली यानी कि डब्बा ला के पिलाया है इनको, ORS का। कैल्सी भी घर में पड़ी होती है, वो भी पिला देते हैं। मैं तो कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें इनको ना देता रहता हूँ वर्कआउट के लिए। जी जी बिल्कुल साहब, इसी वजह का अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे जो हैं अपनी पूरी फिटनेस में। सर दोस्तों, वॉइस और वीडियो क्वालिटी ठीक है? सुमन भाई अगर कोई मैसेज करे तो वॉइस कम कह रहे हैं। ठीक हो गया, चले अब सुमन थोड़ा आप करीब रहें ताकि वॉइस की जो प्रॉब्लम ये ना बने दोस्तों के लिए। सब माइक का भी लाजमी करते हैं रेंज, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो ना वैसे आती तो नहीं है, कोशिश है कि अभी नेक्स्ट ये भी बिल्कुल कवर हो जाएगी प्रॉब्लम। तो साहब, ब्रीडिंग के हवाले से, आजकल की ब्रीडिंग में दाना जो है, दाना पिछले हमने गर्मियों से पहले सर्दियों का दाना, जो अच्छा दाना बनाने का तरीका, दोस्तों का मकदार, मुकम्मल डोज सेट की थी, इन दिनों में उस दाने में से क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ कम कर देनी चाहिए? इनमें ना ज़्यादा आप यानी कि मोट को ज़रा कम कर दें। जी, क्योंकि उससे बीठे ये पतली करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक, खुडे पहले गीले होते हैं फिर और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। हाँ जी, और परिंदे बाज़ औक़ात उससे वीक भी हो जाते हैं। मूंग का इजाफा कर लें एक्स्ट्रा, अगर किलो डाल रहे हैं 2 किलो कर दें, एक्स्ट्रा प्रोटीन दे दें इनको। ठीक है, सरसों किलो की बजाय 2 किलो कर दें आप। जी ठीक है, चावल की मकदार उतनी रहने दें, वो नहीं आपने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो लॉस भी कर सकते हैं कितनी दफ़ा परिंदों का। जी, तो बेहतर ये है कि मूंग का इजाफा करें, अगर किलो डाल रहे हैं 2 किलो कर दें। ठीक है, और ज्वार डाल दें 1 किलो। 1 किलो ज्वार कितने दाने में होनी चाहिए? 1 किलो कोई 20 किलो दाने में 1 किलो ज्वार होनी चाहिए। बीठे खुशक करती है वो, कुछ उससे खाने किसी हद तक खुशक रहते हैं। जी, पानी की मकदार भी परिंदे की पूरी रहती है। ये जरूरी चीज़ें हैं। आंखें खराब होने का सीज़न तकरीबन आउट हो गया, मगर लेकिन आ रही कंप्लेन आ रही है उसका इशू कह लें, बस तकरीबन अभी कम ही हो गया। फिर भी जिनके को प्रॉब्लम है, वो अगर 2-4-6 परिंदे हैं तो फिर सबको दवाई ना पिलाएं, वो सिर्फ उनको आई ड्रॉप्स डालें। वो आई ड्रॉप्स आप लोग नोट कर लें, क्लोरमफेनिकॉल के नाम से आई ड्रॉप्स आते हैं, वो आपने एक शीशी लेनी है। दोबारा रिपीट करूँगा, क्लोरमफेनिकॉल ये एक शीशी ले लें। इसमें ना 2 इंजेक्शन आपने डालने हैं, एक इंजेक्शन डालना है आपने लिंकोसिन और दूसरा डालना है पैटनीसोल। ये ड्रॉप्स सुबह शाम एक एक कतरा डालें, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल ज़्यादा खुडे में मसला है, 15-20 परिंदे ख़राब हैं, 30 खराब हैं, तो फिर आप उन सबको ना दवाई पिलाएँ। उसके लिए टाइलोडॉक्स बहुत बेहतरीन है, आप किसी भी पोल्ट्री की जगह ले लें पोल्ट्री वाले से टाइलोडॉक्स। अगर अवेलेबल नहीं होती मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, 1 कैप्सूल विब्रामाइसिन, 1 टैबलेट एवल की और 1 गोली टैक्सा, ये अच्छी तरह इनको पीस के पर लीटर के हिसाब से ये एक एक डालनी है आपने, ये डाल दें इंशाल्लाह 3 से 5 दिन, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह परिंदे आपके ठीक हो जाएंगे। तो बाकी मजीद कुछ है तो वो जी जी साहब भाई, इस बात का सवाल करना चाहूँगा कि आंखों का तो प्रॉब्लम ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारा अजमुदा नुस्खा
अंग कवर हो जाती है, लेकिन आंखों के साथ चंद परिंदे जो गले में रेशा, गले से आवाज, इस तरह की आवाज आना शुरू हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? गले में रेशा भी पैदा हो जाता है और गले से आवाज खर खर की बहुत ज्यादा आने लग जाती है, इन दिनों में खास तौर पर प्रॉब्लम आ रही है। ये आप इस तरह करें, बेटनिसोल की एक गोली लें, उसको आप 10 cc पानी में डालें, एक पूरी गोली को, ठीक है, और आधी गोली वेंटोलिन और ये एक गोली का जो पानी है वो परिंदे को दें आप, डेली की बेस पे एक डोज काफ़ी है, 3-4 दिन 5 दिन लगातार दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। यानी वेंटोलिन कितनी टैबलेट? आधी वेंटोलिन हाफ टैबलेट और बेटनिसोल की जो टैबलेट एक पूरी डालें 10 cc पानी में। जी ठीक हो गया, उससे ये इंशाल्लाह कितने दिन देना पड़ेगा? 3-5 दिन लाजमी दें। जी जी, और कोशिश करें उड़ाने वाले किसी कबूतर को ना दें, अगर उसको दें तो उसको फिर बाहर ना निकालें, उड़ाएं ना उसको, हाँ जब वो ठीक हो जाए, हाँ उसके ज़ाया होने के चांस हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, कोई भी यानी कि हाई डोज अगर आप विटामिन दे रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ स्टीराइड्स का टच है, तो परिंदों को कोशिश करें उड़ाने वाले जो परिंदे हैं उनको बाहर नहीं निकालना। सर भाई, आजकल के मौसम में ब्रीडिंग सेटअप जो है वो सेटअप किस तरह का होना चाहिए, या एहतियाती तौर पर सेटअप में थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग जो दोस्त अब आप कर सकते हैं तो वो क्या चेंजिंग करें? सर, वेंटिलेशन का सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, एग्जास्ट कह लें जिस तरह होते हैं, यानी कि रोशनदान जो है वो बड़े लगे होने चाहिए, एक तरफ से हवा एंटर हो दूसरी तरफ से निकले, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे खुद मुझे लगता है रोशनदान छोटे हैं, मैंने कोशिश करनी है कि इनको उतार के मैं नए बड़े साइज के लगाऊं ताकि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुजर हो सके। बिल्कुल सही, ठीक है। तो साहब अब बात करेंगे कुछ ब्रीडिंग सेटअप की, ब्रीडिंग सेटअप की हमारी बात होगी ब्रीडर कबूतरों की तरफ। तो साहब माशाल्लाह आपकी अपनी जो फेवरेट ब्रीड, अगर किसी दोस्त को कोई सवाल हो तो कमेंट में सवाल जरूर करें, मेडिसिन के वाले से, मौसम के वाले, किसी भी को जिसकी कोई बात क्लियर नहीं हुई वो हमें कमेंट्स में लाजमी सवाल करें, हम उसका जरूर जवाब देंगे आप सब दोस्तों को इंशाल्लाह। तो सर अभी ब्रीडर कबूतरों की तरफ बात करें तो आपकी अपनी जो मोस्ट फेवरेट ब्लड लाइन है सर वो कौन सी है? मुझे ज़्यादातर कबूतर तो रेड आइज में ज़्यादा पसंद है, टैडी भी अच्छे हैं कबूतर, बहुत अच्छे हैं, बड़े माशाल्लाह मेरे पास तादाद में है टैडी, अच्छे कबूतर हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में ओरिजिनल भी लगाए हुए हैं मैंने। मुझे खुद जो पसंद है ना वो मोस्टली जो वो रेड आइज हैं जी, या कोई म्यूटेशन तैयार हो जाए खुद मेरे पास जी जी, जिस तरह वो चपड़े बन गए 5-6 पीस, हाँ जी, यानी कि वो पसंदीदा चीज़ में चले गए। आजकल वो एक और कबूतर वो काले मुंह वाले वो क्रिएट हो रहे हैं जी जी, मतलब वो म्यूटेशन बन गई है, वो पसंद है। बेस जो है मुझे वो लाल आंखों के जो कबूतर है ना, कसूरी कमकर, कसूरी कमकर कबूतर, ये मेरे फेवरेट हैं शुरू से लेकर एंड तक, यही है। सर भाई आप कितने अच्छे से शौक से मुंसलिक हैं? माशाल्लाह अभी 25 साल हो गए, माशाल्लाह 98 का शौक स्टार्ट किया है, 23 आ गया, 25 साल हो गए। यानी 98 में आप मुकम्मल कबूतर पर भी में इन 98 में सबसे अच्छा जोड़ा जो टैडी मैंने ना खरीद लिया था। अच्छा, 98 में कितने का लिया था पैर वो? मैंने 5000 का लिया। क्या बात है, मुझे पता नहीं था ये टैडी होते हैं जी जी, बस वो मुझे क्रेज था, मैंने टैडी लेने हैं टैडी लेने हैं, बस वो किसी रसूख से मैं चला गया एक जगह पे, तो मुझे वो मिल गया उधर से जी जी, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत की मेरे साथ, मुझे वो 5000 रुपये का दिया, इतने का देते नहीं थे वो, तब वो 30-40 हज़ार का पेयर देते थे। क्या बात, वो मेरे यानी कि बुज़ुर्गों का उनके साथ तल्लक था, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे दिया और बड़ी देर तक वो मेरे पास रहे, उनमें से अभी भी कोई 1-2 पीस उस ब्लड लाइन में से आ रहे हैं जी जी, इंशाल्लाह मैं शौक रहूँगा आपको। जी बिल्कुल सर, ज़रूर रहिएगा। वो पहचाने हैं तो सिर्फ शाहिद भाई ने पहचाने हैं, इससे पहले उनको कोई पहचान नहीं सका, कबूतर बाहर आके दरवाजे पर बैठा तो इन्होंने मुझे बता दिया ये वो कबूतर है, मैंने कहा जी बिल्कुल वही कबूतर है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह बड़ी बड़े लोग आए हैं, कभी किसी ने आके ये नहीं कहा इसका मुझे शौक करवा रहे हैं जी, किसी बंदे ने भी नहीं कहा, सिवाय एक दोस्त है मेरे वो आसिफ साहब लाहौर से, बेसिक सरगोधा से हैं उन्होंने, और या शाहिद भाई ने, इन्होंने कहा ये कबूतर ये प्योर टैडी कबूतर, बाकी अपनी अपनी थ्योरी है जी। बिल्कुल अपने भी पसंद, अपना अपना टेस्ट है जी। बिल्कुल सर भाई, मैं बात कर रहा था रेड परिंदों का, परिंदों की, तो रेड परिंदों में सर भाई जो आपने 98, 99 या 2000 में आपने परिंदे खुद देखे हैं, क्या उसी मांदले के कबूतर अभी आपके पास मौजूद हैं उसी हालत में? सच तो ये है कि नहीं है जी, जी उन कलर्स के उन मिलते जुलते, यानी कि जो देख के जिनको लगता है यार ये वही कबूतर है, बस वो है, नस्ल आ रही है, मगर इतनी देर में इतनी काबिलियत हमें भी नहीं थी तब कि हम उसको भरपूर तरीके के साथ मेंटेन कर गए, हमें पता नहीं था ये इस तरह शार्ट भी हो जाएंगे जी जी, या कोई बीमारी आएगी कबूतर ख़त्म कर देगी, हमारे जहन में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था जी जी कि कबूतर ख़त्म हो जाएगी।
लेकिन खून आपके पास सेव है। हाँ खून कहीं ना कहीं वो ब्लड टच है जी जी। अभी भी हमने एक जोड़ा पिछले दिनों मिशावर के साथ लगाया है। हाँ जी। टैडी ब्रीड में से ही, वो शेरदिल ब्रीड में से जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उनके ओरिजिनल पीछे खून था चीने कबूतर वो निकला है माशाल्लाह उनमें। हाँ माशाल्लाह दो बच्चे निकले हैं, दो चीने बच्चे निकले हैं तो कमाल हो गई है। लाजवाब बच्चे निकले हैं सब, जो असल निकले हैं ओरिजिनल। बिल्कुल सही सर। जो आप कह रहे हैं कि जो परिंदे अब जो कलर्स नहीं है उनका महांदरा थोड़ा बहुत शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी शेयर करें कि जो आपने खुद अपने हाथों से पकड़े हुए और अपनी आंखों से खुद देखे हुए परिंदे हैं वो इस महांदरे के थे, इस कलर के थे, इन आंखों के थे। हाँ ये कमकर कबूतर हम जो भी टैडियों में पर देखते हैं स्लेटी पर, काशनी जिसे बोला जाता है, काशनी पर भी बोला जाता है कमकर कबूतर। ये मैंने 2, 4, 6, 8, 10 पीस भी देखे होंगे, शायद इससे ज़्यादा भी हों, जिनके 10 के 10 पर जो है ना वो काशनी स्लेटी है। गोल्डनों वाले नहीं है आज आजकल जो आम रूटीन में होते हैं, ये नहीं ओरिजिनल सही जिनको हम पर दिखा के बोलते हैं ये देखें जी काशनी पर, वो वाले पर जी 10 के 10 पर काशनी। क्या बात। जब मैंने खुद अपने हाथों में पकड़ के भी देखे हुए हैं, उनके माँ बाप भी, वो भी, ये भी 98-2000 की बात है जी जी। कोशिश भी की थी उन रसाई हासिल करने की मगर तब वो जिनके पास थे वो सेले नहीं करते। फिर मेरे पास आए कहीं से एक बाय से कबूतर जहाँ से ये 7 स्टार बने जी जी। इनकी बेसिकली जो ओल्ड ब्लड लाइन्स हैं ये सिरे कुलदुम्बे सलारे कबूतर थे जी जी। ये फिर मोटेशनें बनती गई बीच में से, मैंने मुझे ये कलर पसंद आया, मैंने इनके ऊपर बिल्कुल इसको ब्रेक लगा दी, यहाँ पे इनको तादाद में बनाया, फिर कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो रूटीन है। बिल्कुल अभी तो उन कबूतरों की आंखें किस तरह की थी? आंखें बोलती थी। क्या बात। बिल्कुल सही। मैं ये कहूँगा बिल्कुल सही बातें करती, आंखें बोलती थी, बड़ी खूबसूरत आंखें थी जी जी, तेज भी निकल आती थी। अब लोग कहते हैं ये वो तेज आंखों वाले नहीं थे, तेज आंखों वाले भी थे, बीच में से निकलते थे जी जी। ये लेंस वाले कबूतर मैंने खुद देखे हुए हैं, इतनी इतनी मोटी आंखें बीच में से निकल आती थी। लाइट कलर जिस तरह पुराने होते जाएंगे वो ज़रात नीली जालियाँ और ये शेप्स आती जाएंगी जी जी। ऐसे मामला थे इनकी आँखों में, इनके एंड के ऊपर बड़े प्यारे रिंग थे ग्रीन कलर के, येलो कलर के, वाइट कलर के, वो आप देखने में, हाँ आप देखने में कम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे हुए हैं, ये रखे भी थे कबूतर। फिर आस्ता आस्ता ये तब्दीलियाँ आती रही हैं, इंसानों में आई हैं, इसी तरह परिंदों में भी आई हैं जी। बिल्कुल। तो अब साहब भाई हमें चाहते हैं कि परिंदों का शौक भी करवा दें अपने, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपने रेडिस परिंदों से हमें स्टार्ट करवाएं, चाहते हैं कि रेडिस का शौक करवा, वो चाहते हैं टैडी को का शौक करेंगे हम, तो रेडिस का शौक करवाएं। मैं बहुत बात करें मैं करवाता हूं जी जी। बिल्कुल जी जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को हमारी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी मेरे दोस्तों, और जितने भी दोस्त इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी काविश और हमारा ये बेहतरीन जो शौक है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। साहब है ना परिंदे सर अंदर कर देना, दिखा रहे सिर्फ वो बाहर छड़ने, ठीक है बाकी अंदर कर देना परिंदे। साहब ये कौन सा ब्लड लाइन है में से? ये सबसे पुराना कबूतर है अभी बड़े कबूतरों में जी जी। कमकर ब्लड लाइन है पूरी, रीजनल कबूतर है ये, कोई क्रॉस नहीं है इसमें ठीक। ये माशाल्लाह आई थिंक मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा आज हमने इसको फेसबुक के ऊपर लेके जा रहे हैं या वीडियो में लाए हैं, इससे पहले हम कभी भी नहीं लाए इसको, ये मैंने कभी दिखाया भी नहीं। हाथ उठाओ ले जी बड़े दोस्तों, शौक करें माशाल्लाह। जी जूम आउट दोस्तों, नोक का कलर, नोज की शेप, ये माशाल्लाह पलक नोट करें, कच्ची पीली बड़ी खूबसूरत पलक है माशाल्लाह इसकी। ये बढ़ते हैं परों की तरफ, परिंदे तमाम दोस्तों के क्रीज में, तो ये परिंदा भी क्रीज में है लेकिन ये है कि सिर्फ आखिरी पर रहेगा इसके माशाल्लाह। ये दोस्तों बढ़ते हैं इसके पंजों की तरफ, दोस्तों बिल्कुल खुशक और जामलू पंजे, मतलब फुल जामलू शेड दे रहे हैं। ये मुकम्मल उस्मान सर साथ आओ इस तरह जहाँ से ताकि मुझे उधर नजर आता रहे। फजलुर रहमान खान साहब, गुलाम नबी साहब हैं, वारिस साहब गुजरांवाला से बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे,
नजबी जी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं मेरी गुजारिश है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यही हमारी हौसला अफजाई है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। ये जी काफ़ी दोस्त वाकफ है इस कबूतर से, ये साहब एक बड़ा गोल्डन कबूतर है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा अच्छा, मैंने इसके मोबाइल के सामने 1-2-3 नाम रखा हुआ है इसका। अच्छा अच्छा, ये भी कम ही आया वीडियो में, ये खुद भी उड़ा हुआ है पुराने। अच्छा माशाल्लाह, और बड़ा रिजल्टेड और फाइन क्वालिटी में, अपनी प्योरिटी में वो शौक करवाएं इसका, इनशाला बहुत कुछ सीखने से। फोकस फोकस भी है, ये ओरिजिनल कलर है इसका। फोकस करो उंगली लगाओ ऐसे, ये देखें अब नोट करें आंख प्यारे दोस्तों इसकी, अब इसकी नोक नोट करें सब दोस्त। हाँ जूम आउट करो, देखो सील मुर्गों जैसी नोक है माशाल्लाह इस परिंदे की। बहुत ही अलग जिस्म इस परिंदे का माशाल्लाह, बाहर के पर क्रीज में 7वां पर गिराया हुआ है। ये जो नए पर निकाले इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस परिंदे की खूबसूरती, इस परिंदे की क्वालिटी। इस परिंदे के ऊपर जो कलर के छट्टे हैं बड़े ही शानदार हैं माशाल्लाह जी, घनी बगल है, लेंथी बगल है माशाल्लाह। ये देखो दोस्तों, खुशक जामनी और खुले पंजे हैं, जनाब खावर खोकर साहब जी। वारस भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप ठीक हैं? ये जी माशाल्लाह जनाब सैफुल्ला खान साहब का मेन ब्रीडर कमगर कबूतर है, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। कलर बड़ा ही शानदार है माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा कलर है माशाल्लाह, बड़ी फाइन क्वालिटी में कलर है ये। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट परिंदे की तरफ प्यारे दोस्तों। ये एक और कमगर कबूतर है दोस्तों, आपको इसका शौक करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये परिंदा आपको बहुत पसंद आएगा। देखें क्या बात है जी, उंगली उठा लिया फिर उस्मान। हाँ ठीक है सर, ये देखें जी माशाल्लाह ब्लैक नूर के साथ कैसा शानदार रिंग चल रहा है जी, कितना दिलकश, कितना खूबसूरत और आला क्वालिटी की जमानत माशाल्लाह। अंजुम शहजाद साहब क्या हाल है, ठीक है सब खैरियत जनाब? ये फिलहाल हाल मुकीम सऊदीया फैसलाबाद से ताल्लुक है इनका, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत पल्ला, खूबसूरत और आला क्वालिटी में पर माशाल्लाह जी। बहुत ही आला माशाल्लाह जी सैफुल्ला खान साहब, माशाल्लाह बेमिसाल परिंदे हैं जी। और ये परिंदा आया शौक करके, शौक करवा के, मज़ा आ गया इस परिंदे का माशाल्लाह। ये लाइन माशाल्लाह है ही बड़ी रिजल्टेड, ये मैं कहता हूँ जरा उस्मान भाई एक बार दोबारा इस परिंदे की आंख दिखाइएगा, बहुत ही दिल का शांक है माशाल्लाह। मियाँ आकिब साहब वेलकम जनाब, ये देखिए बहुत शानदार आंख माशाल्लाह। ये बढ़ते हैं तो ये मेरे शौक है साहब भाई का। अच्छा अच्छा, अच्छा माशाल्लाह। ये जी जनाब हमारे बड़े प्यारे भाई जनाब शाहिद खान साहब, शाहिद साहब शाहिद हुसैन साहब, ये उनके वो कह रहे हैं मेरे शौक वाला, तो देखते हैं जी इसमें क्या खास बात है, आपने भी कमेंट करके बताना है माशाल्लाह जी। ये बड़ा क्लोज हो गया ज़्यादा। वेरी गुड जी, देखिए इसकी नोक बहुत आला। बढ़ते हैं परों की तरफ माशाल्लाह जी। मियाँ अहमद, मियाँ अहमद साहब क्या हाल है, ठीक है? मियाँ अहमद, मियाँ आकिब साहब दोनों बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, ये देखें जी दोस्तों पंजे सब के एक जैसे आए माशाल्लाह, फुल बड़ा फुल जामुन शेड दे रहे हैं, देखें जी कैसा शानदार बैलेंस इस परिंदे का माशाल्लाह। नोट करें सब दोस्त, बगैर रोके हाथ छोड़े बिल्कुल इजी, परियों की स्पोर्ट देखें और बैक परी की बैक दुम पे जो स्पोर्ट है वो देखें, ये सिर्फ डेढ़ उंगली है, दो उंगलियां भी पूरी नहीं है माशाल्लाह।
जैसे आप ये बढ़ते हैं मच्छर की तरफ, शायद भैया पकड़ लें। साहब भाई कहाँ छुपाए हुए थे ये परिंदे पहले? कभी भी ना वो लाइव में दिखाए ना कभी कोई इनकी वीडियो लगाई है। माशाल्लाह आए तो नई चीज आपको दिखाने को मिले ना। जी जी बिल्कुल। बस वो जब दिखा दूं ना फिर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं बाद में। हाँ इधर उधर से जो फिर दोस्त है बाप है ना फिर वो थोड़ा सा आपको पता है वो मीडिया पे रिलेशंस भी बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल जी मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा खान साहब जी इंशाल्लाह जी साहब भी आपको हमदा खान साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, जज़ाकअल्लाह शुक्रिया भाई जान। स्पॉन्सर कमेंट्स भी साथ में देखता रहूँ ना, ऊपर करें बस। हाँ इस तरह जी जी परों का अंदाज देखें माशाल्लाह, आंखों में रिंग पूरे पल्ला पूरा दुम का बैलेंस देखें, हर चीज़ माशाल्लाह कंप्लीट है। अब यकीन करें कि बहुत ही आला परिंदे, बहुत शानदार परिंदे, हर तरफ से कंप्लीट, ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि रिजल्ट वाइज भी माशाल्लाह कंप्लीट परिंदे। ये भी मेरा बहुत फेवरेट कबूतर है, ये भी सही कसूरी का मगर निकला। अच्छा माशाल्लाह। ले जी मेरे दोस्तों, जनाब शाहिद भाई ने भी हमें बोला कि उनकी पसंद का परिंदा ये है, देखते हैं जी। पहला भी हमें बड़ा पसंद आया तो उम्मीद है कि ये भी आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आएगा माशाल्लाह। भाई परिंदा जी इधरों फड़ो ना वाला, तो साढ़े शो का फादर बड़े गोल्डन का बेटा जरा माशाल्लाह जी। नहीं जी क्या बात है जी, क्रीज से फिर रहने देना, फिर कोई और दिखा दो। ओहो गुस्सा नहीं करना, ये देखें जी क्या बात है, बहुत ही शानदार पल्ला। फोकस करो उंगली लगाओ जरा। अंजुम शिदाद साहब बहुत शुक्रिया जी, देखें बैक परी देखें कहाँ तक, और सेलेटी कलर में बैक परी, काशनी कलर में, तुम का बैलेंस बहुत आला, अल्हम्दुलिल्लाह सबका बैलेंस इसी तरह ही आया, आगे से चौड़े बिल्कुल छोटी बरीक दुम्मे पीछे, बाकी शायद भाई बहुत अच्छा परिंदा माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे पाक से महफूज रखे साहब भाई को भी, इन परिंदों को भी। आमीन आमीन। साहब भाई कौन सा लेके आए बताएं तो साथ में। ये सारी एक ही नस्ल देख रहे हैं आप। नहीं जो मैंने बुलाया मंगवाया था वो नहीं ना आया, वो तो फुल क्रीज में है आप। अच्छा अच्छा कहते हैं नहीं नहीं कभी नेक्स्ट टाइम सही। उसके पर काफी अचानक ही गिराए हैं बच्चे थे उसके नीचे तो उसके पर में। जी जनाब उस्ताद मेहर मोहम्मद इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, मैं साहब को भी हमें भी मौका दें, अब खिदमत का काफी अच्छा ही हो गया दोस्तों को आपके कबूतर दिखाए हुए। नहीं जी पहले दोस्तों ये भी मैं कहता हूँ एक से एक बढ़ के परिंदा आ रहा है माशाल्लाह, तो जितने भी दोस्त इसको लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह के कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, माशाल्लाह लाजमी कीजिएगा। बहुत मेहनत है जनाब सैफुल्ला खान साहब की, एक कमगरों के खालस कमगर तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो बड़े इतराजात पैदा हो जाएंगे, खालस खालस कमगर कबूतरों के करीब तरीन कबूतर है। मैंने अपने नाम रखे हैं। जरा मोहम्मद उस्मान साहब उस्मान भी जरा जूम करें यहाँ तक, बस बस बहुत है माशाल्लाह। जी अदील बिलाल साहब इंशाल्लाह क्यों नहीं करवाएंगे शौक, इनके चपड़े के पुत्रों को भी आपको एक दो परिंदों का शौक है। इनकी बड़ी फेवरेट माती है, इसे निकल गई थी ये आज। तो आप दोस्तों के लिए स्पेशल लाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ ये स्पेशल, इसको नोट करें आप, ये रिंग वाली भी एक ही है, रिंग वाली हाँ मेरे पास भी एक ही है। इस ये जी हम दोस्तों में मशहूर है रिंग वाली के नाम से, और यहाँ से निकल गई थी साहबी के घर से तो शाम तक खुद ही वापस आई है माशाल्लाह। यार फोकस नहीं हो रहा साहब से अब्दुल्ला, ओ उस्मान भाई फोकस नहीं हो रहा, हाथ उठा लिया करें फोकस करके, यहाँ बस ठीक है यहाँ तक मैं लाता हूँ करीब, हाँ बस ये आँख का शो करें। अब बढ़ते हैं जिसके परों की तरफ,
ये जिस फीमेल का मुकम्मल कलर है, और नोट करें सब दोस्त, इसके पर बहुत ही शानदार माशाल्लाह। देखिए कहाँ तक मैंने पल्ला खोला और मजाला बगल छोड़ी हुई उसने जिस्म से, बहुत आला जी माशाल्लाह। बारीक उंगलियाँ, लंबी उंगलियाँ माशाल्लाह। परिंदे के अच्छे होने की जमानत, जितने पॉइंट्स होते हैं इस फीमेल में हैं माशाल्लाह। स्पेशल कबूतर मंगवाया जी जी, मतलब किसी पास भी घट कबूतर नहीं गया, ना रंग चो ना नस्ल चो ना रंग, अच्छा हर पास कबूतर पूरा स्पेशल मंगवाया था, और मेरा फेवरेट कलर भी है। अच्छा मेरे पास मंगवाया? ताड़े पास ले जी सर, ठीक है सर। कलर भी फेवरेट है माशाल्लाह जी। देखें पहले दोस्तों, इसकी आंख की शेड जरूर आपने नोट करनी है कि रेड शेड, रेड कलर कौन सा, ये आपने जरूर नोट करना। बड़ा गुस्सा करता सैफुल खान साहब। ये था बिल्कुल जोन से रहा। हाँ जी, हाँ जी, इसका भाई देखा आपने पहले जो घर उड़ा हुआ था, ये भी उड़ा हुआ है। ये ब्रीड ही ऐसी है, ऐसी ब्रीड होती है। फोकस करें ना, 1 2 3 मैंने इनका नाम रखा हुआ है, जहाँ पे बच्चे छोड़ दिए इनके, इंशाल्लाह 10-15 दिन में सामने आ जाते हैं माशाल्लाह। इसीलिए 1 2 3 लिखा गया, एक दो फिरते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों कलर ही बहुत बहुत एंटीक है, कांटे देखें। ये मैं एक वीडियो देख रहा था जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब की, वो कहते हैं ये इस टाइप के कांटे जिसमें आ जाए ना, वो कबूतर लपर नहीं हो सकते। बहुत आला मियाँ वकास साहब, जनाब खलीफा वकास साहब, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? बड़े गोल्डन की बेटी है। ठीक है, ये यूनिक कलर निकला था। जी जनाब उस्ताद मेहर मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारा अपना घर है, तो अभी मैं इंशाल्लाह लाइव से फ्री होकर करूँगा कॉल करता हूँ आपको जनाब उस्ताद मेहर मोहम्मद इब्राहिम साहब, इंशाल्लाह आपके साथ भी टाइम बनाते हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो आपके कबूतरों का शो करवाते हैं सब दोस्तों को। कोहटा से बड़े प्यारे दोस्त हमारे जनाब उस्ताद यूनुस पहलवान साहब के शगिर्द शहजाद अकबर साहब, क्या हाल है शहजाद भाई? ठीक है, सब खैरियत है? और जितने भी दोस्त लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ, एक बार अपडेट करता चलूँ सब दोस्तों को, और जो बाद में देखेंगे उड़ान पहचान के मंथली एफ एल एम कुछ मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में, आप तमाम तौर दोस्तों की खिदमत में लाइव हाजिर हैं और आपको शो करवा रहे हैं जनाब सैफुल्ला खान साहब के मेन ब्रीडर गोल्डन कमगर कबूतरों का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे परिंदे, हमारी ये काविश बहुत पसंद आई होगी। और एक बार दोबारा बताता चलूँ, जो दोस्त अहबाब मौसम की वजह से बच्चों की पलाई के हवाले से परेशान है, तो कुछ टिप्स हमने दी हैं, अगर किसी को समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर, हमारे कॉल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 03-06-88-48-957। साहब भाई से अगर कोई रब्ता करना चाहे, साहब भाई का मोबाइल नंबर है 03-00-3014। ये कबूतर है सही कसूरी कबूतर, शक्ल इसमें नजर आते हैं पुराने कबूतर। ये भी पुराना है काफ़ी इनके पास, मुझे बड़ा पसंद है, मैं जब भी आता हूँ ये देखता हूँ पकड़ के। लें जी प्यारे दोस्तों, वाकई शाहद भाई का फेवरेट है, और ये बता रहा है कि क्यों फेवरेट होना चाहिए। कमेंट ऊपर करें उस्मान, बस ठीक है काफ़ी। ये जी माशाल्लाह, आंख का साइज, आंख का रिंग ब्लैक नूर के बाद जो रिंग है, और जो फलक के ऊपर ये देखें कैसे शानदार जर्रे भाई नज़र आ रहे हैं हमें माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी इस परिंदे के परों की तरफ, मुझे लगता है कि बड़े गुस्से वाला परिंदा, इसने पल्ला सी दिखाना नहीं, देखा। अः सर आपकी मेहरबानी, शौक करवा लेने दें हमें, समा इस तरह करवा दो शौक, नीचे इस पर ना स्पॉट मिल जाएगी। नहीं भाई, चोरी शाहजेब कसूरी साहब, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? फजल रहमान साहब, कासिम अंसारी, वालेकुम अस्सलाम साहब, इमरान कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया जी। ये भी कमगर है और माशाल्लाह असल कलर में है, और बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत ही अच्छा कबूतर है, कलर पूरे कलर में भी है जी। हमारे चीफ एडिटर जनाब उस्ताद सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने कमेंट किया। साहब भाई बहुत ही आला परिंदा जी, क्या बात है, बड़ी खासियत है इस परिंदे में, पूरे कलर में है। दोस्तों नोट करें, शौक करें,
जितने भी बेहतरीन पॉइंट्स आप इस परिंदे में नोट कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। यकीन करें मुझे तो बहुत मज़ा आया परिंदा देख के। कामरान भाई ज़रा राय दीजिएगा अपनी ज़रूर, उस्ताद का ये सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब, राय ज़रूर दीजिएगा इस परिंदे के बारे में अपनी। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस परिंदे के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। बड़ा ही फेवरेट परिंदा आया माशाल्लाह जी, 3 बार नोट करें भाई के। माशाल्लाह ये फुल कलर और फुल पला देखें इस परिंदे का माशाल्लाह। देखें कैसा शानदार कलर है इस परिंदे का जी माशाल्लाह माशाल्लाह। दूर बोलिएगा माशाल्लाह, कमेंट्स भी कीजिएगा। ये देखें आखिरी सिर्फ एक उंगली माशाल्लाह। जी जनाब सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब, उस्ताद मोहतरम बहुत शुक्रिया। देखें माशाल्लाह वेरी गुड जी, बहुत आला परिंदा माशाल्लाह। सर भाई आज तो कमाल कर दिया आपने, एक से एक बढ़ के परिंदा आ रहा है। किधर वाले आई दिखाइएगा, 7 स्टार का बेटा है वो खराब। अच्छा अच्छा जी जी, बड़े गोल्डन का बेटा, बड़ा गोल्डन, बड़ा फेमस कबूतर है जनाब सैफुल्ला खान साहब का बड़ा, बहुत सारे दोस्त अहबाब उस कबूतर से वाकिफ हैं। शेख इमरान रशीद साहब वालेकुम अस्सलाम, आला जी आला माशाल्लाह माशाल्लाह। जूम आउट करें जरा, आउट जूम आउट करें जी जी ठीक। अब बढ़ते हैं परों की तरफ जी, ये देखें दोनों तरफ ये रेड बंद है जी। फायर के पास जरा क्रीज में इस परिंदे के, ये जरा मैं गुजारिश करूँ एक बार उस्मान भाई चलते फिरते परिंदे दिखाएं जो उनका शौक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे शेरदिल ब्लड की तरफ, शेरदिल ब्लड का भी आपको शौक करवाएंगे। उसके बाद चलते फिरते परिंदे दिखाएं उस्मान भाई, मैं बताता हूँ साथ दोस्तों को। अब जी इन रेड आइज के बाद आप सब दोस्तों को जनाब सैफुल्ला खान साहब के जो हैं परिंदे टैडी चपड़े, इनका भी शौक करवाते हैं आपको। ये तीसरे नंबर वाला कबूतर जरूर फोकस करना जरा, मुझे बड़े फेवरेट तीसरे नंबर पे जो है, तो ये दूसरा भैया आज तीसरा ठीक है जी, इसको जरूर फोकस कीजिएगा दोस्तों। नोट करें बहुत आला परिंदा, बड़ी खालस और बड़ी ओरिजिनल परिंदा। कोई ख्वाहिशमंद दोस्त हो तो वो रब्ता कर सकता है जनाब सैफुल्ला, बच्चों के लिए बड़े कबूतर सेल नहीं करते वो, तो सैफुल्ला खान साहब को नंबर जो नोट करना चाहते हैं वो नंबर कोड नोट कर लें 0300-03014। बड़ा इजी से नंबर है, दिल पे लिखा जाता है। सब भाई पकड़े जरा कुछ कैडी परिंदे, मान सारे कवर कर रहे हैं, दूसरे परिंदे भी दिखाएं भाई सारे कवर कर रहे हैं। ये जी माशाल्लाह जनाब सैफुल्ला खान साहब के गोल्डन और कमकर परिंदे, इनका आपको पकड़ के हाथ में शौक करवाया। आप चलते फिरते जरा परिंदे दिखा दें आपको माशाल्लाह जी, बहुत आला परिंदे। अल्लाह पाक नजर पास महफूज रखे, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती रखे इन परिंदों की, आप तमाम तरफ दोस्तों की और जनाब सैफुल्ला खान साहब की। आ जी उस्मान भाई, अब बढ़ते हैं जी टैडियों की तरफ। पहला परिंदा मेरे हाथ में आ गया और ये वो परिंदा जो अभी वीडियो में जिक्र किया था जनाब सैफुल्ला खान साहब ने, कि शाहद भाई ने वहां दूर से देख के कहा था इस परिंदे का मुझे शौक करवाओ, और ये ओरिजिनल टैडी कबूतर है पुराने कसूर के। जी दोस्तों आप भी अपनी राय से मैं लाजमी आगाह कीजिएगा। इम्तियाज खान साहब काफी लेट ही आए हैं, फिर भी वेलकम करते हैं आपको जनाब इम्तियाज खान साहब पेशावर से। बस बहुत जूम भैया, बहुत ज्यादा आंख में अंदर जाके क्या करना हमने, जो चीजें नजर आती हैं वो बोलती हैं। अब जी बढ़ते हैं परों की तरफ इस परिंदे के, माशाल्लाह कलर नोट करें, पर नोट करें। कामरान भाई कह रहे हैं सैफुल्ला खान साहब आपके पास बहुत अच्छे परिंदे हैं। जज़ाकअल्लाह जी, शुक्रिया सादे मोहतरम। ये साहब भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट परिंदे की तरफ। ये भी फेवरेट माती है टैडी, फीमेल है। देखें ये सही कलर में टैडी है, कसूर के जो कसूर में थी पहले। जी जी ये
जी इम्तियाज खान साहब जजाकल्ला फोकस ये चीज यार साहब भाई माशाल्लाह मर्दी कमाल करती दिखा के चेक करें पूरी है बस एक हाथ की है बहुत आला जी माशाल्लाह जी जनाब फजल रहमान साहब बहुत शुक्रिया 0300 03000 14 माशाल्लाह जी 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 एक और टैडी मेल आया इसका शौक करें उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपको पहले परिंदे पसंद आएंगे परिंदे भी आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आएंगे अब बढ़ते हैं जी इसके परों की तरफ नोक तरह नोट करवाएं जरा सामान में दोस्तों को हाँ वेरी गुड नोक का अंदाज देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी जनाब उस्ताद मलिक असद साहब बहुत शुक्रिया जी ये भी फेवरेट कबूतर है मेरा ये भी टैडी है मिसा? सही कलर में मिसा का टैडी है ये क्या बात है जी टैडी बंदर मिसे हैं ना बिल्कुल बिल्कुल जी मिक्सचर है टैडी ब्लड लाइन तो जी जी इम्तियाज खान साहब साहब भाई भी ठीक हैं अब्दुल्ला खान साहब भी ठीक हैं जी जनाब उस्ताद मलिक असद साहब बहुत शुक्रिया देखें आंख जनाब उस्ताद मलिक असद साहब वारिस भाई फजलुर रहमान साहब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं इस परिंदे की आंख के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये परिंदा आपको इशाद भाई का तो बड़ा फेवरेट है मेरा भी बड़ा ही पसंदीदा कबूतर है ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा पसंद आएगा देखें दोस्तों जूम आउट करो भाई ये बगल का साइज देखें परों का अंदाज परों की शेड ज़रूर है जो सबसे ज़्यादा अहम बात है इस कबूतर में बहुत आला माशाल्लाह जी ये ये 10 नंबर कबूतर है चौधरी साहब वाला ना यार ये शायद बड़ी लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाती है अगर 10 नहीं 41 है 41 नहीं 88 है सारे एक ही कबूतर एक ही कबूतर है टैडी कबूतर है बस नंबर लग के आगे बच्चों के जो जी जी बिल्कुल इसी तरह लेकिन जी जो भी चीज है 88 है 10 है जो भी माशाल्लाह बहुत आला यार नंबर तो हमारे अपने हैं ना जिसे मुझे लगा सकते हैं तो चौधरी साहब वाला कबूतर ना ये जी जी है चौधरी साहब वाला जनाब उस्ताद हबीब मुगल साहब वेलकम जी जी जनाब उस्ताद मलिक असद साहब बहुत शुक्रिया और जितने भी दोस्त इस वक्त लाइव देख रहे हैं मेरी गुजारिश है कि उनसे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में माशाल्लाह कमेंट्स करें और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें सब दोस्त साहब आप देखें क्या बात है ये जो चौधरी साहब वाला 10 नंबर परिंदा माशाल्लाह देखें इस कबूतर के एक पार जिसमें आ जाए लोगों को बड़ा पसंद आए इसमें देखें कितने पारा माशाल्लाह जी लकीली साहब बहुत शुक्रिया यार बहुत ही आला परिंदा शाह भाई क्या बात माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी जी टैडियों के बाद चपड़ी फीमेल आई है हमारे एक दोस्त यहाँ पे जो मैं बोल रहे थे वकार भाई के दिखा दें चपड़े भी जी अब हम उनको चपड़े दिखाते हैं चपड़ों में सबसे पहले फीमेल आई है साहब भाई ने मोहब्बत प्यार से इनका नाम जो है वो सलजूक रखा हुआ है और सलजूक के नाम से काफ़ी ये फेमस ब्लड लाइन है और अपने रिजल्ट में अपनी मिसाल आ पाएंगे साकिब अहमद साहब बहुत शुक्रिया जी देखिए सबसे पहले आपने फीमेल का साइज नोट करना है मेरे तो ख्याल से ये सिर्फ कलर ही चपड़ा है बाकी ना इसका कोई
साइज चपड़ों वाला है, ना इसकी आंख चपड़ों वाली है, ना इसका कुंदा चपड़ों वाला, कलर ही चपड़ा बस। मेंटेन किए हुए हैं ना। क्या बात है जी साहब भाई, बहुत अलग ब्लड लाइन तैयार की है माशाल्लाह जी। साहब की मेहनत है ना सारी। जी जी राणा दिल, राणा दिल साहब भी मेरे साथ से मेरी लाइफ में पहली बार आए हैं। कबूतर देखे हैं, कमाल का कबूतर है, शेर दिल ब्रीड है। लें जी दोस्तों, शेर दिल ब्लड लाइन में से यंग पठा आ गया जी। माशाल्लाह जी बहुत आला। ये देखें इसकी दूसरी आंख, उस्मान भाई से दूसरी आंख भी दिखाएं, यकीन करें बड़ी नशे वाली आंख है ये। कलर भी नशे वाला है, आंख भी नशे वाली है। पल्ला तो देख रहे हैं, पल्ला कहां तक लेके जाता है हमें। दसवां पर गिराया हुआ है, दसवां पर नया निकाल रहा है। बाकी इस चीज आपके सामने है, फोकस उस्मान से फोकस नहीं हो रहा आज। डबल किक, बस बस। इम्तियाज खान साहब, मलिक नवाजिश अली साहब, बहुत शुक्रिया जी। भाई सैफ कहाँ जा रहे हैं आप जनाब? बोल 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 रहे सी पे प्यास क्या सब लगी, मतलब परिंदे देख के प्यास लगी है। चले आप ले आए, हम चलते चलते परिंदे 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 दिखा देंगे। ये जी माशाल्लाह अभी मेरे हाथ में है, टाइम गुजर जाएगा उतना। शायद भाई इस परिंदे के बारे में जरा बताएं, कैसा लगा आपको ये परिंदा? शेर दिल का उल्टा का बेटा है ये, माशाल्लाह फेवरेट है ये। बंद देखें कैसे शानदार। और साहब भाई जिन्होंने बच्चे खिलाते ना तो कहते ने जे ये काले चपड़िया ने शेर दिल बेट बच्चे ना ना हो ना तो कहते ने भाजी हाली रहन दे। आंख का डायल देखें कैसा चमकदार है माशाल्लाह। बाहर के तीन पर समान भी ज़्यादा फोकस करें, बाहर के तीनों पर बराबर। शादी में लगता है आप ही मिलंड हो गए। छोड़ देते हैं इसको। हाँ छोड़ो इसको। अ सिंबल ऑफ क्वालिटी, छट्टे बेहतरीन बेहतरीन छट्टे। कैमरा सर्व करें ज़रा, नहीं आवाज़ लेके आ रहे शायद अंडो पे फीमेल। सलजूक मिस्से मिस्सो मिस ले जी मेरे साथ रहे। बाकी इसके ना भी हैं और भी दूसरे गेज में, जैसे एक ही इधर ही जोड़ा लगा ले जी बढ़ते। सबसे पहले आंख की तरफ जनाब खबर खोकर साहब स्टिल हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया खबर खोकर साहब। मलिक असद उस्ताद, मलिक असद साहब, वारिद साहब, मियाँ अपने मियाँ ताहिर साहब और वारिस अली साहब, राणा दिल साहब भी हमारे साथ सीली खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, हमारी हौसला अफजाई के लिए। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये हमारी काविश हमारी मेहनत जो है वो ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। ये ले जी सब, ये टैडी मत दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल लगी क्रॉस लगी है? ओरिजिनल ओरिजिनल लगी। ये जी माशाल्लाह साहब बता रहे हैं इस फीमेल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ओरिजिनली पेयर लगा हुआ है। आप सब दोस्तों ने नोट करना है कि क्यों रिजल्ट दे रही है ये फीमेल माशाल्लाह। देखिए शानदार पर, खूबसूरत तरीन पर, आला क्वालिटी की जमानत, वेरी गुड। इमरान कसूरी साहब बहुत शुक्रिया।
ये नहीं जी जी बिल्कुल नहीं जी, सबसे पहले इसकी आंख का शौक करते हैं सब दोस्तों, सब ने स्पेशल बोला था शौक करें इस कबूतर का। जी इम्तियाज़ खान साहब शुक्रिया, राजा जहनजेब साहब खुश आमदीद, वालेकुम असलाम राजा जहनजेब साहब। क्या बात है जी, पर पे पर चढ़ा हुआ, ताश ही खुल गई। जी बढ़ते हैं अब इसके परों की तरफ। ये हमारा आ गया नेक्स्ट परिंदा। पहले सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिंदा भी बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका जिस्म ही है वो बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ परिंदा। जिस्म के साथ साथ आंख भी आउट क्लास है माशाल्लाह। सर आपने लिखे थे ना नीचे तो बात क्लियर हो गई। लिख लिया बात ठीक है। ये जी प्यारे दोस्तों नोट करें, बाकी मजा आया परिंदा देख माशाल्लाह। मैं कहता हूँ हाथ में है उसके जिस्म ने बताया कि मैं कोई चीज हूँ। फीमेल है? मेल है, वैसे क्रीज में गर्दन की ना, क्रीज में था, मैं कहा लेके आओ फिर भी दिखाना है। अच्छा अच्छा जी राजा जहनजेब साहब बहुत शुक्रिया। साहब भाई बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी सांस ले ले, पानी पी ले। उसके बाद वो दिखाएं मैं जरा, वो ब्लड लाइन जो न्यू परिंदे आपने ऐड किए हैं। अच्छा वो परिंदे जरा लेके आए जो जिन पे नया वर्क आप कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चलता फिरता दिखाएं, वो मैं दिखाता हूँ। आए उस्मान भाई उस्मान जाओ अंदर यार, उस्मान भाई दिखाओ। ये जी इससे पहले आपको रेड परिंदे दिखाए जनाब सैफुल्ला खान साहब के, अब आपको शो करवा रहे हैं जनाब सैफुल्ला खान साहब के मेन ब्रीडर परिंदों का, टैडी परिंदों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये परिंदे बड़े पसंद आएंगे। इसके बाद एक नई म्यूटेशन, नई जनरेशन जनाब सैफुल्ला खान साहब ने तैयार की है, तो आपको उसका भी शो करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा वो परिंदे पसंद आएंगे। ये जी दो यहाँ पे शेरदिल के बेटे हैं, जरा फोकस तो करें उस पर भी। इस वन में ठीक बना रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी है वीडियो, बहुत प्यारे कबूतर चलते फिरते नजर आ रहे हैं। आज उस्मान भाई माशाल्लाह ये जी बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ब्लड लाइन की तरफ। जैसे आपको रेड आई स्टडी परिंदा देख के बड़ा मजा आया, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक न्यू मेटेशन नई चीज तैयार की है जनाब सैफुल्ला खान साहब ने, कोशिश की है बेहतर से बेहतरीन बनाने की। तो आपने जरूर आगाह करना है कि ठीक डगर में जा रहे हैं या उल्टी डगर में चल रही है, आपने जरूर हमें गाइडलाइन देनी है। चौधरी अमर साहब, इशफाक अंजुम साहब, इमरान खोकर साहब जो नए दोस्त ऐड हुए हैं उनको एक बार फिर बताता चलूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सैफुल्ला खान साहब के मेन ब्रीडर सेटअप पर और आप तमाम तर दोस्तों को इनके मेन ब्रीडर कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। पहले आपको करवाए रेड परिंदों का शौक, उसके बाद टैडियों का, और अब ये न्यू म्यूटेशन नए परिंदे। साहब भैया इसके बारे में बताएं दोस्तों को कि कौन से परिंदे हैं, क्या चीज़ें, कौन कौन से ब्लड मिला के आप तैयार कर रहे हैं और रिजल्ट क्या है इनका।
ज्यादा तो क्रॉस नहीं है इनमें। जी जी। इनका बाप ओरिजिनल काले मुंह वाला लाहौर, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अकील साहब, उनसे आया। अच्छा अच्छा। माँ इनकी फिरोजपुरी है। ठीक। तो दो तीन बच्चे मैंने छोड़े हैं, उड़ा के चेक किया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो मैंने इनको रोका है। जी जी। और म्यूटेशन भी बहुत अच्छी है, अभी आप इनको छोड़ के आपको दिखाऊंगा ये 6-7 पीस। और अब मैं इंशाल्लाह मेरी तवज्जो इनके ऊपर। जी जी। बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल वजन है ही नहीं, और ना वेट है और ना ही ओवर साइज है। जी राजा जनसेव साहब, मैं अभी बात करता हूँ, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन लेके देते इस बारे में। माशाल्लाह जी, नहीं जी परों का शौक करते हैं अब। ओ हो हो, बस साहब बहुत बहुत एथलीट है यार, पट्टी बहुत सारा। ये लगी साहब जी, पहले नहीं खोलने दिया उसने। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये जी एक और पट्ठा है इसी ब्लड लाइन में से, इसका शौक करें जरा, गैस तो करें आप तमाम दोस्त कि आपके मुताबिक कौन सी ब्लड लाइन है। जरा मैं करीब करता हूँ आंख। आमिर खान देखें, नोट करें जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह, वाह जी वाह, बहुत आला, कम करें तुम। नुमान मलिक साहब कह रहे हैं फिरोजपुरी। साहब भाई आजकल के मौसम के मुताबिक यार एक सवाल आया, वो बताएं जरा हमें, आजकल के मौसम के मुताबिक जो है ये सिरप मेदे के लिए कौन सा इस्तेमाल करवाना चाहिए कबूतरों को, जिसमें गेविस्कॉन। ठीक हो गया, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट है, मिलता ही नहीं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा। मिल जाता, मिल जाता। यार मैं बहुत से। ये देखें जी, इसकी आंख बड़े गौर से देखी है आपने, पर भी बहुत आला जी, माशाल्लाह, बारीक लंबी और जमनू। भाई फोकस के थे भाई, नींद आ गई है? नहीं फिर। अच्छा, मैं क्या आगे तो चार पे आए थे, सोचे थोड़ी देर के लिए हम रोक देते। ये ले जी, नेक्स्ट बंदे की तरफ बढ़ते हैं जी प्यारे दोस्तों। जी वेलकम जी, जनाब दाऊद खान साहब, बड़ा ही लेट आए आप दाऊद खान साहब। देख कैसी बारीक और खुशक पलके हैं, क्या बात है। नोनो गली का भी ये पट्ठा देखो, कैसी लंबी उंगलियां जी, क्या बात है। उस्ताद अब्दुल सत्तार साहब ने एक बार हमारे लाइव इंटरव्यू में ये बात कही थी, जनाब उस्ताद अब्दुल सत्तार साहब ने कहा था कि जब आप पैर लगाएं बच्चे खाने में खड़े हो, अगर उनकी उंगलियां लंबी लंबी हो तो समझे आपका जोड़ा पास है, समझे आपका जोड़ा पास है। हमारे शहर कसूर के बड़े सीनियर और बुजुर्ग उस्ताद हैं जनाब उस्ताद अब्दुल सत्तार साहब। साहब भाई चले आते हैं। आला जी आला, चमके लाइटें। अब अच्छा, वालेकुम सलाम। सर गेविस्कॉन आजकल डालना है तो दाने के साथ क्या मिकदार होनी चाहिए पर लीटर पानी में? यार एक ढक्कन ना, अभी एक लीटर में डाल दें। एक ढक्कन में तकरीबन 4-5 सीसी आता है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो गया। एक लीटर में 5 सीसी डाल दें आप। ये देखें दोस्तों, लंबे लंबी उंगलियां, लंबे नाखून, स्याह नाखून है और नली देख कैसी मजबूत, माशाल्लाह। भाईजान ये जी मुकम्मल कलर है इस परिंदे का। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला जनाब दाऊद खान साहब। साहब भाई आपको भी दाऊद खान साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। वाह जी वाह,
جی شکریہ داؤد بھائی. کیا شاہد بھائی ماشاء اللہ بڑی اچھی موٹیشن تیار ہو رہی ہے بہت اعلیٰ, اور سب کی دم میں بیلنس. اور سب سے اس میں جو مجھے خاص بات لگی ہے نا, جو اس بات پہ یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں, پرندے فٹنگ میں پورے ہیں اور وزن بالکل نہیں ہے, بالکل صرف پر ہی پر ہیں. اس کا اندازہ میں آپ کو اس بات سے کرواتا ہوں کہ یہ نوٹ کریں گے آپ سب دوست, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں پر ہی پر ہیں صرف. کیا بات ہے جی ماشاء اللہ. یہ لے صاحب, ماشاء اللہ جی. ہاں جی عثمان بھائی اب ذرا فوکس اپنا زوم کر لیجیے گا. زوم تیسرے نمبر باپ نمبر تیسرے نمبر بیٹا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے. میں کہتا ہوں دوستو وزن تو بالکل ان پرندوں کے ہے ہی نہیں, بہت لائٹ ویٹ, آنکھوں میں چمک, آنکھوں میں جالیاں. آپ سب دوستوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی, نوٹ کیا ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا جناب عثمان صاحب کو کہ زیادہ زوم کر کے پرندے دکھائیں دوستوں کو. یہ بہت اعلیٰ موٹیشن تیار کی ہے جناب سیف اللہ خان صاحب کی, بڑی محنت ہے صاحب بھائی کی. اس سے پہلے بھی کافی بلڈ لائنس جو ہیں صاحب نے اپنے نام سے متعارف کروائی ہیں, جنہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا, اور اپنے آپ کو جو لوہا وہ خود منوایا انہوں نے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ پرندے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی پرفارمنس سے اپنا لوہا منوائیں گے. آج عثمان بھائی بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے ماشاء اللہ, بہت ہی اچھا. جی ماشاء اللہ جناب سیف اللہ خان صاحب کے یہ اپنے سلجوق بلڈ لائن میں سے لاکھے کبوتر ہیں. تو رزلٹ آپ نے سنا سیف بھائی سے کہ ماشاء اللہ بہت اعلیٰ رزلٹ آ رہا ہے ان پرندوں کا. سیف بھائی آگے کراس میں کر رہے ہیں ان کو, اوریجنل چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ٹیڈی لگایا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ کچھ ریڈ آئی ساتھ لگائے ہیں. جی جی لائیں صاحب, دوسرے نر بھی دکھائیں, نر دکھائیں ماشاء اللہ. سیف کیا بات ہے, جناب استاد رانا الطاف صاحب آ گئے جی, رنگ لیڈر ہیں یہ ہمارے جناب استاد رانا الطاف صاحب, استاد رانا عبدالرزاق پارٹی چونیا, اس پارٹی کے شہر قصور میں رنگ لیڈر ہیں جناب استاد رانا الطاف صاحب. مزہ آ جائے گا لاکھا دیکھ کر, مادی دیکھ کے بہت مزہ آیا جی, میں بھی تھانوں بہت مزہ آ جائے گا. ایموٹیشن ہے بیسیکلی. جی جی کیا بات ہے جی, اس طرح کریں گے تو سادمی نذیر صاحب والے کبوتر میں آتے ہیں رنگ, ماشاء اللہ جتنے کلیئر رنگ ہے اس پرندے میں. دیکھیں اعلیٰ جی ماشاء اللہ.
चले इधर ही छोड़ मचंद कर साफ बोला सब ये 3 लाख हैं तीनों अलग अलग आंखों में आए ये मिक्सर ही है रोजपुरी कबूतर हैं इसमें से एक्चुअली जी जी टैडी हैं डबल है कबूतर हैं कुछ अपने 7 स्टार लगाए हैं अच्छा फिर ये सारा मिक्सर बना के जो कलर लाखे पे खड़ा हुआ ना उसको मैंने रखा है बाकी सारे उड़ाने के लिए भेज दिए सही सही बिल्कुल मैं दिखाता हूँ एक दो और हाँ बिल्कुल दिखाएं देखें मेरे दोस्तों नोट करें कुंदा बहुत आला क्या बात स्टैंडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी फिर वेट लेस कबूतर है ज्यादा ओवर वेट नहीं है कबूतरों का माशाल्लाह बहुत अच्छे वजूद में कबूतर है माशाल्लाह ये और सबसे बड़ी बात है जिस तरह मैंने आपको वो दिखाए कबूतर फिरोजपुरी कबूतर दिखाए जो फिरोजपुरी टाइप के कबूतर हैं उनमें जो प्रेलपन है इन कबूतरों में भी प्रेलपन उनके जैसा बरकरार है माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत आला आंख जी क्या बात लाइव माशाल्लाह वाह जी वाह ये देखें दोस्तों भाई जाना कहीं नहीं भाई कुछ नासिर खान साहब शुक्रिया इम्तियाज खान साहब बहुत शुक्रिया जी ये जी सलजूक अलमरूफ सलजूक लाखे कबूतर दिखा रहा हूँ जनाब सैफुल्ला खान साहब के जो इनकी अपनी मेहनत और खुद के तैयार करता कबूतर है ये फोकस इसमें भी उसी तरह भाई लाखिया जो मेरा फेवरेट है जी इन्हू आप जरा गंदा मंदा रखे नजर ना लगे अच्छा जी देखो तुसी नहीं फेवरेट दे गल करो क्या बात है वाह जी वाह माशाल्लाह दोस्तों बताएं फेवरेट होना भी चाहिए इसको कि नहीं होना चाहिए बस हाँ ये चीज बाइक के 3 पर मोड़ करें सब दोस्त ठीक है खैर इतनी फोकस की कोई बात नहीं ये मुकम्मल कुंदा कलर आला तरीन जी माशाल्लाह और परेलपन देखें बहुत आला जी माशाल्लाह तो मैंने गलत तो नहीं कहा जी बिल्कुल देखें जरा इसकी दिखाएं इसका ये जी पहले दोस्तों नोट करें माशाल्लाह इनके चलने फिरने का अंदाज खड़े होने का अंदाज बहुत आला जी माशाल्लाह ये जिस तरह लाखे सिर्फ जिस तरह चपड़े सिर्फ कलर के चपड़े रह गए लाखे भी सिर्फ कलर के लाखे रह गए बाकी सब कुछ इसके अंदर डाल दिया हुआ है
और एक परफेक्ट ब्लड, एक परफेक्ट चीज जो है हमारे सामने तैयार करके दिखा दी जनाब सैफ अल्लाह खान साहब ने। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी काविश, हमारी ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। हमारा ये शौक और हमारी ये मुफीद गुफ्तगु जो है ये भी काफी दोस्तों के लिए कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। वसीम भाई बहुत शुक्रिया जी, इम्तियाज खान साहब, शहरियार, शहरी इम्तियाज, आज उस्मान भाई दोनों है। इस तरफ लाख है, इस तरफ ये काले मोहल्ले कह सकते हैं हम, इनको फिरोजपुरी भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ब्लड है इनके अंदर। चलो यार, इधर यार सर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की काविश बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो और शौक से भी भरपूर लुत्फ उठाया होगा सब दोस्तों ने। पहले आपको इनके रेड आइज परिंदों का शौक करवाया, फिर टैडियों का, फिर सलजूक कबूतरों का, लाखों का, और फिर जो जनाब सैफ अल्लाह खान साहब ने न्यू ब्लड तैयार किया फिरोजपुरी और काले मुंह वाले कबूतरों को मिक्स करके, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी म्यूटेशन बनाई। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी काविश और ये शौक बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट वकार अंसारी को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।